सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जामिनेशन 27। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन 27। आज के इस वीडियो में हम बोध संगीतियों को याद करने की ट्रिक जानेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बोध संगीति के बारे में सब कुछ हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, प्रथम बोध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, वह किस स्थान पर हुई थी और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, ये सब कुछ हम ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अध्यक्ष, स्थान, शासनकाल, इसी सीक्वेंस में हमारी ट्रिक काम करेगी, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बोध संगीति, इसे याद करने की ट्रिक इस प्रकार से है, महाराज आजा, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो देखिए, महा से बन जाता है महाकश्यप, प्रथम बोध संगीति के समय महाकश्यप अध्यक्ष थे। राज से बन जाता है राजग्रह, प्रथम बोध संगीति राजग्रह में हुई थी। और आजा से बन जाता है अजाशत्रु, प्रथम बोध संगीति के समय अजाशत्रु का शासनकाल चल रहा था। प्रथम बोध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी, याद रखिएगा। महाकश्यप अध्यक्ष थे, राजग्रह में हुई थी और अजाशत्रु का शासनकाल चल रहा था, महाराज आजा से याद रख सकते हैं हम। अब द्वितीय बोध संगीति, इसे याद करने की ट्रिक इस प्रकार से, सब कुछ पाने की कामना विष के समान होती है जो काल को लाती है। पेन से मार्क किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सब कुछ पाने की कामना, इसको एक शब्द में क्या कर सकते हैं हम, सबकामी। द्वितीय बोध संगीति के समय सबकामी अध्यक्ष थे। विष से बन जाता है वैशाली, द्वितीय बोध संगीति वैशाली में हुई थी। और काल से कालसो, द्वितीय बोध संगीति के समय काल अशोक का शासनकाल चल रहा था। और द्वितीय बोध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी, सबकामी अध्यक्ष थे, वैशाली में हुई थी, काल अशोक का शासनकाल चल रहा था, इस तरह से याद रखेंगे। अब तृतीय बोध संगीति, ये 255 ईसा पूर्व हुई थी, इसे याद करने की ट्रिक इस प्रकार से है, मोगली का पुत्र पाटिल के पुत्र से लड़ने का शौक रखता है। तो देखिए, मोगली का पुत्र से क्या बन गया, मोगली पुत्र, तृतीय बोध संगीति के समय मोगली पुत्र अध्यक्ष थे। पाटिल का पुत्र से बन जाता है पाटलिपुत्र, तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और शोक से बन जाता है अशोक, तृतीय बोध संगीति के समय अशोक का शासनकाल चल रहा था, मोगली पुत्र अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक का शासनकाल चल रहा था, इस तरह से हम याद रखेंगे। अब चतुर्थ बोध संगीति, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, इसे याद करने के ट्रिक इस प्रकार से, विश्वामित्र कान में कुंडल पहनकर वन में इश्क कर रहे हैं, विश्वामित्र कान में कुंडल पहनकर इश्क कर रहे हैं, ये ट्रिक है। तो विश्वामित्र से बन जाता है वसुमित्र, चतुर्थ बोध संगीति के समय वसुमित्र अध्यक्ष थे। कुंडल से बन जाता है कुंडल वन, चतुर्थ बोध संगीति कुंडलवन में हुई थी। और इश्क से कनिष्क, उस समय कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, इस तरह से याद रखेंगे हम। इस प्रकार से हमने छोटी छोटी ट्रिक से बोध संगीतियों को याद किया। एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा, आप सही क्लिक कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जीके ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।